दोस्तों साल 1954 में एक दिन टोक्यो एयरपोर्ट पर एक ऐसा आदमी उतरता है जिसके पास टॉड नाम के एक ऐसे देश का वीज़ा होता है जो देश इस दुनिया में है ही नहीं। इतना ही नहीं, उसके पास अन्य सभी देशों के वीज़ा भी होते हैं। वो बताता है कि उसका देश टॉड 1000 साल पुराना है, जिसे सुनकर वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे लॉकअप में बंद करते हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अगले ही दिन वो रहस्यमय तरीके से लॉकअप से अपने आप गायब हो जाता है, जिसके बाद कोई भी उसे खोज नहीं पाता। हालांकि जानकारों का ऐसा मानना है कि वो पैरेलल यूनिवर्स से आया कोई व्यक्ति था जो गलती से धरती पर आ गया। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति कौन था और कहां से आया होगा? कमेंट में ज़रूर लिखना।